अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ रहमान बिरयानी, जो कि खारादर में है। बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी होती है। तो आए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की बिरयानी है और किस तरह का टेस्ट है। तो आज मैं आया हूँ अल रहमान बिरयानी, और यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ पर कैसी बिरयानी मिलती है। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर तीन चार जगह जो है वो सिर्फ पैक की जा रही है और लोगों को सर्व की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। यहाँ पर इरफान भाई हमारे पास हैं, उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सिंगल बिरयानी कितने की है और डबल बिरयानी कितने की है? सिंगल 110 रुपये की है, फुल 120 रुपये। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बताएं कि बीफ है या चिकन है अवेलेबल? अच्छा, चिकन अवेलेबल है। अच्छा, बाकी ये बताएं कि इसकी वजह क्या, इतना रश है और इसकी क्या वजह आपकी? अच्छा, बाकी ये बताएं कितने आपके पतीले एक दिन में सेल हो जाते होंगे? अच्छा अच्छा, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा है सारा कुछ। अच्छा चले, मेहरबानी। बाकी है कि हम जरा अभी टेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह वो भी देखेंगे और दूसरों से बात भी करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप देखें कि किस तरह से पतीले आ रहे हैं, और ये इस तरह से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस तरह बनते हैं। इरफान भाई अब मुझे लेके जा रहे हैं एक अपने हॉल में, जो कि इनका फैमिली हॉल है, जहाँ पर बैठ के हम आराम से खा सकते हैं। तो आए, वहाँ पर चलते हैं। तो ये फैमिली रूम का रास्ता है, और यहाँ पर अगर फैमिली भी आना चाहे तो आराम से आ सकती है और यहाँ पर जो है वो बैठ के खा सकते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है, तो आए चलते हैं यहाँ पर। तो ये हॉल है, तो लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। माशाल्लाह से यहाँ से तकरीबन आप देखिए खुद कितने लोग हैं। ये माशाल्लाह से बड़ी टेबल है और यहाँ पे पूरे फिकर है। यहाँ आओ, आपको हर चीज़ आपको मिलेगी। बिरयानी होती है, खीर होता है, ठीक है, रायता, सब कुछ सही। हमारा ये कारागर और मेन टावर के अलावा कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गुलाम खान भाई हैं, यहाँ पर काम करते हैं, और इन्होंने कहा कि आप मेरी भी वीडियो बनाएं, तो मैं हाथ हिला दें यहाँ पे। चले हाँ, हमारे। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, तकरीबन 11-12 घूम गए काम। अच्छा अच्छा, यानी कि जो स्पेशल लोगों को भी आपने मुलाजमत दी है। चले चले, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार नाम है। इफ्तिखार नाम है, अच्छा, मेरा भी नाम इफ्तिखार ही है। अच्छा अच्छा, बाकी आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे बिरयानी? मैं इधर 8 साल से आ रहा हूँ बिरयानी खाने। अच्छा। पहले ये जगह नहीं थी। अच्छा, वहाँ नीचे पहले था। नीचे जगह थी। हाँ, मतलब खारादर की बिरयानी बहुत एक मशहूर बिरयानी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैंने हर जगह की बिरयानी खाई है। बिरयानी तो तकरीबन समझो आप हैदराबाद से आगे जाओगे बिरयानी के नाम पे मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ कराची और हैदराबाद में बिरयानी है। हैदराबाद की सिंधी बिरयानी और यहाँ पर आते खारादर की बिरयानी बहुत मशहूर है, फेमस बिरयानी है। और भी बिरयानी वाले अलग भी बोगिया अल रहमान और भी अल रहमान नाम से है, मगर ये इसका टेस्ट ही अलग है। अच्छा, मतलब कोई खास इस बिरयानी की आप वजह बताएं क्या? इसकी खास वजह ये है कि तकरीबन बस खुशबू से बंदा आ जाए। आप शहर से भी गुजरोगे ना तो बिल्कुल करीब आ जाओगे। बोले बाकी बिरयानी के फ्रेश है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिरयानी। चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फहद नाम है। अच्छा, तो आप कब से आ रहे हैं अल रहमान बिरयानी? यार यहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं, 2 साल से तो आ रहे हैं। अच्छा, तो कैसी लगती है आपको बिरयानी? सही है, अच्छी है बिरयानी। अच्छा, और बाकी प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज कैसी है? ठीक है, क्वालिटी वाइज सफाई वफाई है, बेहतर है। अच्छा, खुला है, खुली जगह है, हवादार है। तो यानी कि दूसरों को भी आप रिकमेंड करते हैं कि आए यहाँ पर? हाँ जी हाँ जी, आ जाए, इधर आए कभी भी तो आ जाए, अच्छी बिरयानी, अच्छा टेस्ट।
चलें, तो आप दोस्तों के साथ अक्सर आते रहते हैं यहाँ? हाँ जी, ये मेरे दोस्त हैं, ये आया हुआ है पंजाब से। अच्छा, वो सादकाबाद से। अच्छा, सादकाबाद से आए? जी जी। अच्छा अच्छा, तो कह रहा था भाई कराची की बिरयानी, इनसे भाई बात करते हैं, इनको कैसी लगी बिरयानी? हाँ जी, सादकाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिम परवेज। अच्छा, तो कहाँ से आए आप? सादकाबाद से। सादकाबाद से स्पेशली ये बिरयानी खाने आए? बस मैंने कहा बहुत सुना है अलरहमान बिरयानी, खा के। तो कैसी लगी आपको बिरयानी पंजाब की और कराची की बिरयानी में आपको क्या फर्क लगता? बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस है, यहाँ के मसाले वहाँ के मसाले। अच्छा, वहाँ सादी बिरयानी बनती है जो घर पे, और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त टेस्ट है। आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर ही देंगे। 10 नंबर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? माज गौरी नाम। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं महमूदाबाद के इलाके से। अच्छा, महमूदाबाद से आए। अच्छा, कैसी लगी आपको बिरयानी? नहीं माशाल्लाह, हम तो आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, और तकरीबन मेरा हर हफ्ते 2-3 दफा चक्कर है। तो अच्छा, तो कैसी लगती है आपको बिरयानी? बिरयानी काफ़ी अच्छी है, रीजनेबल रेट पे अच्छी चीज़ दे रहे होते हैं। तो यानी कि आप अक्सर आते रहते हैं और दूसरों को भी आप सजेस्ट करेंगे कि जरूर करूँगा? मैं तो अक्सर लोगों को लेके आता रहता हूँ यहाँ पे, नए नए दोस्तों को लेके आता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वकासिम है। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम बल्दिया टाउन के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आते रहते। अच्छा, हैं यहाँ की जो मशहूर बिरयानी आ रही है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं। अच्छा, तो आपको कैसी लगती है बिरयानी? बहुत ही लजीज और टेस्टी है यहाँ की। अच्छा, बिरयानी आप भी खा के देखें। अच्छा, और जो है ना आपकी वीडियो दूसरों तक पहुँचे, वो भी यहाँ पर, मैं कहता हूँ वो भी यहाँ पर आकर खाएं और यहाँ का टेस्ट। अच्छा, तो दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ आए? जी। अच्छा, चलिए, कहना है मेरा। तो और बाकी क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज कैसी है इनकी? क्वांटिटी वाइज जो है ना बिल्कुल दूसरों के मुताबिक ये बहुत ही अच्छा देते हैं, और आप टेस्ट तो अभी आप खुद जो है ना खा के देखिएगा किस तरह की है। इंशाल्लाह मैं जरूर खाऊंगा और टेस्ट भी करूंगा। जी, तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जो है वो काफ़ी पुराने काम करते हैं रहमान बिरयानी में, तो आए उनसे थोड़ी बात करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? नाम वहीद अहमद। अच्छा, तो कितने साल से हैं अभी यहाँ पर? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से? तो अच्छा अच्छा, ये वजह बताएं कि इतना रश कैसे है इस बिरयानी पे, और क्या वजह क्या है? माशाल्लाह हमारी बिरयानी अच्छी है। अच्छा, प्यार अच्छी है। अच्छा, साफ सुथरी बिरयानी है। अच्छा, और सर्विस भी माशाल्लाह अच्छी है। बिरयानी है, हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि अच्छा, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं हम इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, लाहौर लेके जा रहे हैं, भी लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि कितने बजे से कितने बजे तक बिरयानी मिलती है? सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है, रात को 1-1.5 बजे तक मिल जाती है। अच्छा अच्छा, बाकी है वहाँ पे फैमिली भी आ सकती है? फैमिली के लिए भी स्पेशल अलग से पर्दे का खास इंतजाम है। अच्छी बिरयानी अच्छी। अच्छा, हमारे मालिक अच्छे हैं। अच्छा, चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत मेहरबानी। चलें, तो अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा बिरयानी को, और अच्छा देखूँगा कि किस तरह का टेस्ट है और कितनी क्वांटिटी है। तो अब मेरी बिरयानी आने वाली है, तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब मेरी बिरयानी आ गई है, तो अब मैं टेस्ट करूँगा और इसमें देखेंगे कि किस तरह से है। और क्वांटिटी बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी है इसके अंदर, और जो है वो दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आए इसको ट्राई करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट है, और जो मसाला है वो भी बहुत नॉर्मल मसाला है, ना तेज़ है ना पीघा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और गोश्त भी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत ही हार्ड जो है वो गोश्त होता है इसके अंदर। तो ये क्वांटिटी जो है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। इसमें मुझे 2 बोटियाँ मिली हैं जो चिकन की, और बहुत ही अच्छी इसका टेस्ट है। मतलब अगर मैं इसको रिकमेंड करूं तो शायद मैंने एक अच्छी बिरयानियों में से एक अच्छी बिरयानी इस वक्त खा रहा हूं। दोस्तों, अब मैंने बिरयानी अपनी ख़त्म कर ली है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर बिरयानी खाने में, और बहुत ही अच्छा टेस्ट था और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी जो कि मैं ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छी प्राइस में है, तो मैं आपको 100% सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आप आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर कर दें। तो अल्लाह हाफ़िज़।